अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के एक रिटेलर हैं और आप चाहते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का पासबुक मंगवाना, तो इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक का पासबुक मंगवा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पार्सल जो फाइनली मुझे मिल चुका है, और देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस जो लिखा हुआ है और जहाँ से मंगवाया है मैंने उनका एड्रेस लिखा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस एयरटेल के पासबुक को मंगवाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे आपको किन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इस पासबुक को मंगा सकते हैं, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के एक रिटेलर हैं तो, अगर आपको इस पासबुक की ज़रूरत है तो। तो चलिए इसको पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ये देखिए जो पार्सल जोड़ा जो है ये फट चुका है। तो यहीं से हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था 60 पासबुक, यानी कि 60 पासबुक ऑर्डर करा था हमने। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनली हमने पासबुक को जो है इन्वेलप से बाहर निकाल रखा है, और आपको पासबुक का ये फ्रंट आपको व्यू आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है पासबुक एयरटेल पेमेंट बैंक, और यहाँ पे एक क्लासिक डेबिट कार्ड का जो है यहाँ पे लोगो लगाया गया है, ताकि पासबुक और ज़्यादा सुंदर और एट्रैक्टिव दिखे कस्टमर को। तो चलिए इसको हम एक पासबुक को यहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद से यहाँ पे दिखलाते हैं। देखिए, ये रहा पासबुक का फ्रंट व्यू। अब यहाँ पे बैक भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि सिक्योरिटी से लेकर के रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गलत फैसला आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन, कोई फ्रॉड कराता है, तो कोई जानकारी साझा करते हैं आप अपने अकाउंट से रिलेटेड, तो आपका जाहिर सी बात है पैसा जो है वो जा सकता है, वहीं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी फ्रॉड कॉल के झांसे में न आए, आप सतर्क और सावधानी से जो है कार्य अपना करें, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे जैसे कि ये पासबुक हम ओपन करेंगे, तो देखिए अन्य जो भी बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके भी पासबुक में यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और वो एब्रिविएशंस होते हैं और उनके फुल फॉर्म्स लिखे होते हैं। बेसिकली हम अगर स्टेट बैंक की बात करें तो वहाँ पे CR और DR ये सब लिखा होता है, मतलब CR का मतलब क्या है क्रेडिट, और DR का मतलब है ये डेबिट, ये ऐसा कुछ होता है सब। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी पासबुक को सावधानीपूर्वक रखें, और अपनी पासबुक को हस्ताक्षर न करें, पासबुक को नियमित रूप से अदायत करें, किसी प्रकार की विसंगति होने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए। मतलब कि कोई अगर आपके साथ अगर पासबुक आपका गुम होता है, तो आप अपने बैंकिंग पॉइंट को संपर्क करें या विजिट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये है, यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, और यहाँ पे BC का सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पे स्टम्प भी लगाना होता है BC को। तो देखिए यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे सब कुछ जो है अभी मैन्युअली ही करना होगा यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर मैं पासबुक यहाँ पे मंगवाया हूँ तो, क्योंकि जो इसका प्रिंटर है, इस प्रिंटर के कॉस्ट जो है 15 से 16 हज़ार रुपये है, जो कि मेरे बजट से बाहर है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे कस्टमर का ID जो है आप इसमें इस बॉक्स में फिल करेंगे, और यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं उनमें अकाउंट नंबर जो होता है वो मोबाइल नंबर ही कस्टमर का होता है, और यहाँ पे IFC कोड लिख रखा है, और यहाँ पे 12 बॉक्स दिए होंगे जो कि हमारे आधार नंबर के 12 डिजिट हो रहे हैं, उनके लिए ये दिया हुआ है, ताकि कस्टमर का आधार नंबर कहीं पर न ले जाए किसी बैंकिंग पॉइंट APS पॉइंट पर, तो अगर पासबुक भी लेकर जाता है तो उसका काम हो जाएगा। और यहाँ पर कस्टमर का नेम होगा, और यहाँ पे हस्बैंड, फादर, सॉन, डाउटर नेम, मतलब कस्टमर का होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर का पूरा एड्रेस होना चाहिए, आप इसमें अभी मैन्युअली ही लिखेंगे, कंप्यूटर्स नहीं है मेरे पास में, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे BC का जो ब्रांच है, कहाँ पे लोकेशन है उसका, वहाँ पे ये फिल करना है, और डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब बात करें इस
पासबुक पेज की क्लियरिटी की, तो पासबुक का पेज जो है बहुत मतलब स्मूथ और क्लियर है। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखने के लिए यहाँ पे पासबुक के जो पेज हैं उसमें वाटरमार्क एयरटेल पेमेंट बैंक के लगे हुए हैं, ताकि आप कस्टमर को जो है एट्रैक्टिव दिखे, दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे पीछे देखिए, पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे एयरटेल यूजर्स के लिए जो है कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या आपको फॉलो करने, अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं, एम पिन चेंज करना चाहें, रिचार्ज करना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी भी सहायता के लिए यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको फॉलो करेंगे तो आप उस सर्विस का लाभ ले पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो पासबुक का जो पेज है इसमें टोटल 8 पेज हैं, यानी कि पेज हमने काउंट कर लिया है, यहाँ पे 8 पेज आपको मिलेंगे इस पासबुक में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसको ऑर्डर करना है। तो आपको सिंपली ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस YouTube पे इतना सर्च करना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक पासबुक। अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके जो रिजल्ट में 2-4 टॉप के वीडियो दिखाई देंगे, आप उसको देखिए, वहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको कैसे क्या करना है, और आप इस पासबुक को अपने बैंकिंग पॉइंट पे मंगवा सकते हैं और आप अपने शॉप के लिए भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा पासबुक। अब इसके साथ हमने टोटल 60 पासबुक्स मंगवाए हैं, और इसका जो कॉस्ट पड़ा है मुझे वो पर पासबुक के लिए 15 रुपये, तो हमने 60 मंगवाए हैं तो 15×90 यानी कि 900 रुपये का ये है, ठीक है, 900 रुपये का ये पासबुक है। और यहाँ पे देखिए एक हमने स्टम्प भी मंगवाया हुआ है, स्टम्प हमने मंगवा लिया है कि बगैर, मान लीजिए कस्टमर को जो है आजकल बिना कोई प्रूफ के कार्य नहीं होता, ठीक है, तो अगर आप एक बीसी हैं तो आपको स्टम्प अगर लगा कर देंगे कस्टमर को तो उस उनके लिए जो है और ही ज़्यादा मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखला रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है बीसी एयरटेल पेमेंट बैंक, और बीच में जो है एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल का लोगो दिया हुआ है, और IFSC कोड लिखा हुआ है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का IFSC कोड होता है। तो यहाँ पे चलिए हम एक डेमो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टम्प पैड हमने लिया हुआ है, और इसमें से क्या करते हैं स्टम्प को है लेते हैं, जो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है इनको, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे स्टम्प करके देखते हैं वाइट पेज पे कि कितना क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छा से मतलब इक्वली इस पर पेपर पर टच नहीं किया, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आया, फिर भी आप देखिए अगर पूरा टच हुआ होता तो आपको कितना अच्छा मतलब जो क्लियरनेस है वो आपको दिखलाई देता। और इसमें स्टम्प में ये खासियत देखिए यहाँ पे ये जो है ये स्टम्प यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे यहाँ पे तो ये सीधा मतलब ये है आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप सही डायरेक्शन में पकड़े हैं, यानी कि इधर ये उल्टा कुछ नहीं होगा, ऐसे आप अगर पकड़ते हैं तो अंगूठा में ये टच करते हैं इतना कटा हुआ है भाग। तो यही है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।